और लास्ट दो क्वेश्चंस में सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस की वजह से इस बजर राउंड की विनर है टीम जसविंदर। इंडिविजुअली भी मिलेंगे और आपके आगे के राउंड्स के पॉइंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि जो जीते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और जो हारे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि अब एक घंटे में रिटन राउंड शुरू होने वाला है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द SOTY कॉम्पिटिशन Which is the written examination round. तुम लोग बहुत स्मार्ट हो ना, इसलिए तुम सबको टेस्ट करने का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। Now listen carefully. हर एक स्टूडेंट को यहाँ आके इस बोल में से एक चिट उठानी है। उस चिट पर आप में से एक स्टूडेंट का नाम होगा। अब ट्विस्ट ये है कि जो 100 सवाल आपको दिए गए हैं उनमें से 50 सवाल आपको सिलेक्ट करके आपके साथी को देना है जिसका नाम आपके चिट पर है। यानी कि आपके साथी के लिए सवाल आपको खुद चुनने हैं। सवाल की कैटेगरीज हैं वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एंड नॉट सो डिफिकल्ट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने साथी के लिए कौन सा लेवल चुनना चाहते हैं। याद रहे ये एक कॉम्पिटिशन है, यहां दोस्ती यारी सब ताक पर रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कोई चैरिटी नहीं होती। यू नो व्हाई? क्योंकि विनर सिर्फ एक ही होगा। Did you get the new twist? क्या बोला आंटी ने, कुछ समझ आया? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट, मैडम जी। जी, इतने सारे ट्विस्ट, आफत ही होगी जी। मैं तो कहता हूँ टेस्ट से पहले सबको टेस्ट समझ आया कि नहीं, इसका टेस्ट होना चाहिए। मिस्टर जोगिंदर, अगर आपको ये राउंड समझ में नहीं आया तो आप ये गेम छोड़कर बाहर जा सकते हैं। फिर तो सारा कुछ समझ गया जी मैं। हाँ जी। जॉकी। गुड। देन लेट्स स्टार्ट विद दिस राउंड। आप सब आकर अपनी अपनी चिट उठाइए और क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर जाइए। वो चल, वेट क्या कर रहा है, बैठे बैठे देख रहा है, चल आगे। जसी, तेरे को याद है ना, बचपन में तेरे को आइसक्रीम खिलाया करता था मैं। मेरे पैसों से बड़े गोलगप्पे भी खाए हैं तूने। इन्हीं हाथों से मैंने तेरे को साइकिल चलाना सिखाया। मेरा नाम आएगा तो आसान क्वेश्चन चूज करना, ठीक है? अच्छा वीरे, आइसक्रीम ना दादी खिलाते हैं और गोलगप्पे पापा जी। ये सब हिसाब किताब ना घर पे रख, अभी हम कंपेटिटर्स हैं, है ना? बाय। ओए जसी, जसी अपने चिट्ठी पर लिखे हुए कंपेटिटर्स के नाम बताइए। रिया, लेट्स स्टार्ट विद यू। राहुल। राहुल। प्रीति। जस्सी। आदित्य। आदित्य। जस्सी। जोगिंदर। एमी। एमी। जोगी। अभी आपको अपने कंपेटिटर्स के लिए 5 मिनट के अंदर आप अपने 50 सवाल सिलेक्ट कीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एवरीवन, 5 मिनट्स अप. शार्प 1 घंटे के ब्रेक के बाद हम मिलेंगे SOTY के एग्जामिनेशन हॉल में. और याद रहे कि आप अगर अपनी दोस्तों की मदद करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कंपेटिटर्स की मदद कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं. वेल, सब अपने पेपर्स डेस्क के ऊपर रखकर प्लीज लीव. अरुण जी, कौन है उनका? सत श्री अकाल अरुण जी. हाँ, कैसा लगा जी आपको खाना? सब ठीक था ना? जी चंगा जी, वधिया, फर्स्ट क्लास. और आप बता देना कुछ स्पेशल चाहिए थे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. और एक गल और, वो ओबराय साहब को थैंक यू कह दो जी हमारी तरफ से. अरे ओबराय जी तो आपको थैंक यू कहना चाह रहे हैं. क्यों? जी बहन जी, आपका खाना और कुलविंदर जी की एक्टिंग का तो कमाल हो गया जी. आप दोनों का कॉम्बिनेशन तो एक कॉम्बो ऑफर है, कमाल है. की कह रहे हो? एक्टिंग केड़ी केड़ी एक्टिंग है? अजी कुछ खास नहीं. मेरा एक दोस्त है जो हर पार्टी में जोकर बनता है और बच्चों को हंसाता है, उनके चेहरे पर खुशियां लाता है. तो बोला जी आज बीमार था तो मैं बड़ी परेशानी में था, मेरी तो जान जाने वाली थी, नौकरी जाने वाली थी. इन वक्त पे कुलविंदर जी आ गए और उन्होंने जी ना मेरी हेल्प कर दी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. वो जोकर बन गए और सारे मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला गई, खुशियां बिखेर दी जी, पार्टी में छा गए. अच्छा जी, अच्छा. मेरे को तो ना समझ ही नहीं आ रहा, मेरे सवाल किसी के पास, किसी और के सवाल किसी और के पास, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी पता नहीं किसके सर. नहीं नहीं, मेरे को बता, कंपटीशन में कोई बेवकूफ है जो दूसरे को आसान सवाल करेगा? और वैसे भी तू तो जानती है पगली, इस दुनिया में मेरे बड़े दुश्मन है. वीरे कम से कम तुम लिख तो सकते हो ना? मेरा तो हाथ ही मेरा दुश्मन है. अच्छा, मैंने ना दिव्या मैम को बोला था कोई राइटर के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. ओ बोलेगी, जरूर बोलेगी, हर किसी को राइटर मिलता है, तेरे को भी मिलेगा. हैं? ओए ओए राहुल, आदित्य. ओ गुड जॉब भाई, है गुड जॉब. ओए सडनली मेरे को स्ट्राइक हुआ कि जॉब तो ये कर ही नहीं पाया, तो गुड ट्राई भाई है, वेरी गुड ट्राई. पर ध्यान रखना पुत्र, कहीं ट्राई ना करता रह जाना. जुगी, ट्राई करेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे ना. ओ कहां पहुंचेगा भाई? ओ ध्यान से, कहीं बार मत पहुंच जाना, क्योंकि बार तो तेरे को मैं ही छोड़ के आऊंगा अपने हाथों से. क्या कह रहा है, कभी ढंग से बात भी कर लिया कर. ओए बुरा लग गया तेरे को, गुस्सा आ रहा है? देख कितना गम है तेरे चेहरे पे. है तू गम मत कर, वैसे भी तेरा काम है ना दुनिया को गम बांटते फिरना. तुझे कौन सा गम दे दिया मैंने? ओए दिया तो था गम, गम च्युइंग गम. है ना तेरे पास? दे दे मेरे को एक प्लीज. चीप आदमी, चल निकल. चीप तो मैं बचपन से ही हूं. प्रसाद मिल गया. वैसे मेरे को याद था तेरे को बड़ी आदत है मुंह चलाने की, इसलिए तेरे से मांग लिया चिंगम. है सबूत भी मिल गया. दुनिया गोल है. ओए रिया, तुमको तो मैंने देखा ही नहीं, अब जब देखा तो अचानक याद आया. सुना तुम्हारा बजर नहीं चल रहा था, ऐसा पता चला कि किसी गिरे आदमी ने तुम्हारे बजर पे चिंगम चिपका दिया. बड़ा बुरा लगा. क्या उत्तर? सदमा लग गया. कोई बात नहीं, तू ना ट्राई करता रहे. हाँ मंजिल तक एक दिन पहुंच ही जाएगा. पर हेल्प चाहिए होगी ना तो मेरे से मांग लेना, कर दूंगा. ओके बाय. रिया डोंट लिसन टू, तुम्हें तो उसके इंटेंशंस पता ही है. रिया
अरे ये तो शुरू से हमारा ब्रेकअप कराना चाहता है। He's just jealous. मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ, मैं ऐसा लगता है। Don't you trust me? भैया च्युइंगम मैंने बाहर आके खाया है, अंदर I swear मेरे पास च्युइंगम नहीं था। नहीं आदि ऐसा नहीं है। Excuse me. Hi Dad. Hey, how's my little champ doing? कैसा गया बस अराउंड? ठीक था, हमारी टीम थर्ड आई। थर्ड? रिया, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने का कंपटीशन है, सेकंड थर्ड बेस्ट स्टूडेंट बनने का नहीं। डैड आप समझ नहीं रहे हो, बजर राउंड में मेरा बजर किसी और। हाँ, सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। एक्सक्यूजेस मत दो मुझे, तुम एक्सक्यूजेस मत दो। बॉटम लाइन तो यही है ना कि तुम लोग थर्ड आए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, लास्ट ओलंपिक्स में मेंस 100 मीटर डैश में थर्ड कौन आया था? हाँ डैड, उसमें फर्स्ट उसेन बोल्ट था, बट सेकंड और थर्ड देयर यू गो। कैसे याद रहेगा रिया? सेकंड थर्ड फोर्थ किसी को याद नहीं रहता है, लोगों को सिर्फ जीतने वाले का नाम याद रहता है। इसलिए जीतना सीखो, जीतने की आदत डालो। वैसे भी जहां तक मुझे याद है तुम्हारे और मॉमसी के बीच में जो डील हुई थी तुम्हारे वो फ्रीडम को लेकर, तुम पर से रिस्ट्रिक्शंस हटने को लेकर, वो तभी वैलिड होगी जब तुम फर्स्ट आओगी। भूलना मत। सो प्ले टू विन रिया, यू गेट दैट? ऑल द बेस्ट। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? नहीं कुछ नहीं। ये तुम्हारी तो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। ओ प्लीज, टफ लव देकर रिया को एनकरेज करना, वरना मैं उन पेरेंट्स में थोड़ी हूँ जो बेमतलब बेवजह अपने बच्चों पर प्रेशर डाले। अच्छा वैसे भी सिमरन, अगर उसने जीतने की ठानी ली है तो उसे पीछे हटना नहीं चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, मुझे लगा कि तुम रिया के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। ऐसा तुम कह रही हो? मतलब तुम्हारी बातों को सुनकर कहीं वो डिप्रेस ना हो जाए। ओह क्या हुआ? आदि डैड ठीक कहते हैं ना, हारना इज नॉट एन ऑप्शन। इस वक्त जस्सी सबसे टॉप में है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मॉमसी का ये सेटिस्फेक्शन मैं पूरा नहीं होने दूंगी। उनकी फेवरेट जस्सी जीतेगी। आई हैव टू विन। दैट्स द स्पिरिट रिया। नो, तुम्हारी यही स्पिरिट ने मुझे दीवाना किया। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। नहीं, आई एम सॉरी आदि, और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। ये टीम वर्क नहीं आदि, इट्स अ वॉर। रिया को डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं, मुझे कुछ तो सॉलिड प्लान करना पड़ेगा जिससे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसके दिमाग से पूरी तरह निकल। एवरीथिंग वेंट वेल सर, अब सबको एक घंटे की ब्रेक दी है, सो जस्ट गोइंग टू हैव सम लंच। आप भी ज्वाइन कीजिए ना। श्योर। सर मैं ऑडिटोरियम में कुछ भूल आई हूँ, आई जस्ट ज्वाइन यू, मैं आती हूँ। ओके। सेकेंड सेकेंड रो थर्ड बेंच, थर्ड बेंच वो वाला आंकी, वो वाला। जल्दी आ जल्दी आ। हाँ आंकी जल्दी कर यार, अगर वो दिव्या मैम आ गई ना तो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैम वो एक क्वेश्चन था,
हाँ, हम दूसरों के चुने हुए क्वेश्चंस तो हम आंसर कर देंगे, लेकिन उनकी ग्रेडिंग कैसे होगी, आई मीन मार्क्स कैसे देंगे, जज कैसे करेंगे, ये एक छोटा सा डाउट था। क्यों ना ऐसा करें कि तुम स्मार्ट बनना बंद करो और अपना काम करो, विच इज गेटिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट, और जो मेरा काम है वो मुझ पर छोड़ दो, जो है तुम्हें जज करना। अरे अरे, पैर पड़ने की क्या जरूरत है? आदित्य कपूर तो वैसे भी अपने पार्टनर्स के हर कदम पे साथ देता। अच्छा लिसन, ये हेल्प एंड फेवर्स ना चलते रहेंगे, हमें इन्हें गिनने की आदत छोड़नी चाहिए, और हमारे जो कंपटीटर्स है ना उन्हें हराना सोचना चाहिए। अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हुआ ना तो ट्रस्ट मी, यू आर सॉर्टेड फ्रॉम आवर एंड्स। मींस मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी रिया बेबी तुम्हारे हाथों से स्लिप हो रही है। स्लिप तो रिया का पूरा ध्यान होगा, मेरे ऊपर स्पीड में वॉच। क्यों है पुत्र, बुखार तो ठीक लगा ना? हाँ जी हाँ जी, खाना तो बहुत बढ़िया लगा सबको। तो फिर चेहरे पे मातम क्यों छाया है पुत्र? हाँ वो अरुण जी है ना बता रहे थे, एक जोकर बुलवाया था उन्होंने बच्चों के पार्टी के लिए, आज ना वो जोकर आया नहीं है, तो फिर कैसे एक आदमी अपने बच्चों के भविष्य के लिए मजबूरी में जोकर बन गया, कैसे एक आदमी अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद एक मजाक बन गया। तो वही सुन के ना मैं, वो तो है पुत्र, बंदे जब माँ बाप बनते हैं ना तो सब करना पड़ता है, जोकर बनना पड़ता है, नाले सीरियस होना पड़ता है, जिंदगी लाख उल्ट पुलट हो जाए के बावजूद माँ बाप अपना दुख छुपा के एक्टिंग करके अपने बच्चों की माथे की शिकन मिटाते हैं, और इसी को ही परवरिश कहते हैं। पुत्र हटाइए अपने चेहरे से उदासी, अरे तू और कुलविंदर तो अपने अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए ना, हैं? चल। आती तुम डर गई थी, मैं मुझसे किस बात कर रहे? तुमसे नहीं डरी मैं, बट पक्का ना तुम मुझसे डरने लगता? मुझे भी किसी बात का डर नहीं, मुझे पढ़ना है आदि, पढ़ो ना, ऐसे ध्यान नहीं लगता आदि। मेरा भी नहीं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.